पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाल क्षेत्र के गांव मुजफ्फरनगर में कोटेदार की मनमानी से परेशान ग्रामीण, जहां एक ओर सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही, वहीं दूसरी ओर कोटेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के कोटेदार धीरेंद्र कुमार दीक्षित ने गांव की ही अंधी वृद्ध महिला हेमा कुमारी, पत्नी स्वर्गीय कंचन सिंह को 2 माह से अंत्योदय राशन कार्ड पर गल्ला नहीं दिया, जिससे परेशान वृद्ध महिला के पुत्र ने SDM से शिकायत की, तब सिर्फ 10 किलो गल्ला देने की बात की। वहीं गांव के अन्य ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार राशन तो वितरित कर रहा है, पर शासन के द्वारा इस बार दाल देने को कहा गया, पर कोटेदार दाल नहीं दे रहा। जब इस संबंध में मीडिया कर्मियों ने कोटेदार से जानकारी की तो कोटेदार मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गया और बोला, जो छापना है छाप दो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार शासन और प्रशासन के आदेशों को ताक पर रखकर कोटेदार बांट रहे हैं राशन। पीलीभीत से संजय शुक्ला की रिपोर्ट। तो ठीक है, आप जाइए, मेरे खिलाफ छाप दीजिए, जो भी आपको लगे वो हमारे खिलाफ छाप दीजिए। हमें क्या देखना है, हमें थोड़ी देखना है भैया। आप जैसे इस कार्ड का नंबर लेके 2 शब्द लिखवा देंगे, तत्काल राशन दे दिया जाए। किससे लिखवाना? जो भी इसका सक्षम अधिकारी है उससे लिखवा दो, हम दे देंगे, हमें क्या दिक्कत। इंस्पेक्टर ने हमें अभी बात की तो बोले वो आए, उन्हें 10 किलो राशन दे देना और 14 के बाद जो भी निर्णय होगा वो ले लिया जाएगा, उसके बाद उनका बकाया राशन दे देना। कोटे को लेकर क्या समस्या आ रही है आपको? दाल नहीं दे रहे किसी। अच्छा, दाल नहीं दे रहे हैं और गल्ला? गल्ला भी सबको कहाँ मिल रहा है, जिसे उठा नहीं देते उसे गल्ला नहीं देते हैं, जिसका लगता है उसे मिल जाता है। जो जीरो खाए करते उन्हें गल्ला नहीं दे रहे, जो कोई कोई ऐसे ही घुमा देते। अच्छा, एक राशन कार्ड पे कितने रुपए ले रहे हैं? लाल वाले ले रहे हैं 90 रुपये। 90 रुपये का? क्या नाम है कोटेदार का? धर्मेंद्र दीक्षित। कौन सा गाँव है? मुजफ्फरनगर। तो पूरे गांव में किसी को दाल नहीं दी ना, किसी की ना। इस बार भी नहीं दी। हमारा क्या नाम है, तुम्हारी माता जी का जो राशन कार्ड है उसमें राशन लेने में क्या दिक्कतें आती हैं? वो गल्ला नहीं देते हैं सर, गल्ला 25 तारीख को देते थे और हम लेने गए, उन्होंने मना कर दिया कि जहां जाओ तहां जा पाओ, मेरा जो कुछ कर पाओ सो कर लो, हम गल्ला नहीं देंगे। किसी अधिकारी से शिकायत वगैरह? SDM साहब के पास गए थे सर। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कही जाओ और गल्ला आपको मिल जाएगा। उन्होंने गल्ला सप्लाई इंस्पेक्टर पास के फ़ोन किया होगा, तहीं हम उनके पास गए, उन्होंने कि गल्ला 10 किलो ले लेना। आपकी माता जी की उम्र क्या है? उम्र है 70 साल सर। और वो शरीर से कैसी है? शरीर से कमज़ोर है, आंखों से दिखाता नहीं है, 100% नेत्रहीन है, सर्टिफिकेट भी उनका है सर। और समस्या जो है उनके फर्नीचर नहीं आ रहे हैं, आधार नहीं बना हुआ है। अनाखरी दाल दे रहे हैं। किस गाँव का मामला है? मुजफ्फरनगर का है।